चंद्रयान 1 भारत का पहला ऐसा मिशन जिसने अब तक ऐसा मिशन कभी भी नहीं किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का यह पहला मिशन मून पर वहाँ की स्टडी करने जाने वाला था। दोस्तों आज की वीडियो में चंद्रयान 1 से रिलेटेड आपको कुछ बातें बताने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अंतरिक्ष टीवी इंडिया पर बने रहिए। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों चंद्रयान 1 भारत द्वारा छोड़ा गया 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। यह स्पेस क्राफ्ट धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में रहकर काफ़ी शानदार परफॉर्म कर रहा था। इसको चांद तक जाने के लिए काफ़ी शानदार टेक्निक यूज की गई थी। धरती के अराउंड घूमते समय यह खुद की स्पीड को बढ़ाएगा। दोस्तों इस ऑर्बिट को काफ़ी शानदार ऑर्बिट माना जाता है। इस ऑर्बिट के जरिए यही होता है कि इस ऑर्बिट में रहकर यह काफ़ी समय बाद पहुंचता है, लेकिन दोस्तों कम समय में यह चांद तक जा सकता है। दोस्तों इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक पहुंचने में लगभग 2 महीने का वक्त लग गया था दोस्तों, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्पेसक्राफ्ट को अगर डायरेक्ट भेजना है तो भाई जल्दी पहुँच जाता है, और दोस्तों इसमें यह काफ़ी धीरे धीरे जा रहा था। यानी कि दोस्तों धरती के चक्कर को लगाते समय यह खुद का ऑर्बिट और टाइट करता जा रहा था, जिसकी वजह से यह हमारे धरती से ज़्यादा दूर जा सकता है। इसी तरह के से मंगलयान को भी लॉन्च किया गया था और इसी तरह से चंद्रयान 1 को भी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यह हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। इंडिया का पहला मिशन होने के साथ साथ इसने काफ़ी शानदार इतिहास रचा। इंपैक्टर मून इंपैक्टर जो कि एक स्पेसक्राफ्ट था छोटा सा जो कि लगा हुआ था चंद्रयान 1 मिशन में, इसने काफ़ी शानदार काम किया। इसने चांद के ऊपर जाते समय इसके बीच में टक्कर मारी, यानी कि दोस्तों चांद के ऊपर जैसे ही इसको क्रैश किया गया इस स्पेसक्राफ्ट को। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, यह छोटा सा स्पेसक्राफ्ट था, इसका नाम मून इंपैक्टर प्रोब नाम था इसका। इसको चांद की टक्कर से जैसे ही सतह पर यह टकराता है, स्पेसक्राफ्ट ने पता लगा लिया कि चांद पर पानी है या नहीं। और इसका आप सभी को पता है कि चांद पर पानी हमें मिल चुका है। इसकी खोज नासा द्वारा लाइगी स्पेसक्राफ्ट ने भी किया था, जो कि इस नासा का स्पेसक्राफ्ट था, उसने भी प्रूव किया था कि हाँ चांद पर पानी मौजूद है, लेकिन कितना है और कितना ज़्यादा पानी है वो अभी पता नहीं है। दोस्तों बात करें इसके पेलोड के बारे में, तो इन पेलोड का नाम था मून इंपैक्टर प्रोब, यानी कि दोस्तों MIP रडार मल्टीमीटर वीडियो इमेजिंग स्पेक्ट्रम कैमरा मार्स एक्सपेक्ट्रोमीटर बेस्ट पेलोड थे दोस्तों यह सब। चंद्रयान 1 को PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह रॉकेट काफ़ी शानदार रॉकेट है, इससे काफ़ी ज़्यादा सेटेलाइट इसरो लॉन्च करता है। दूसरे देशों की सेटेलाइट बेस इसे दोस्तों भेजे जाते हैं। इस स्पेसक्राफ्ट को चांद तक नहीं भेजा गया था दोस्तों, इस स्पेसक्राफ्ट को सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजा गया था। उसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूल पर ही चांद पर पहुंचा था। और दोस्तों चांद के ऊपर यह 100 किलोमीटर के ऊपर से चक्कर लगाता था और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी करता था। दोस्तों इस मिशन से काफ़ी ज़्यादा हमें सब कुछ सीखने को मिला, और इसी का वर्जन बनाया गया था चंद्रयान 2, जो कि दोस्तों फेल हो गया था, लैंडिंग करने से सिर्फ चूक गया था। और दोस्तों जितनी भी गलतियां चंद्रयान 2 में हुई थी उन सभी को सीखकर इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। चंद्रयान 3 में रोवर और लैंडर ही होंगे, और दोस्तों ऑर्बिटर पहले से ही वहां पर चक्कर लगा रहा है, इसलिए ऑर्बिटर नहीं डाला गया है, क्योंकि दोस्तों ऑर्बिटर वहीं पर मौजूद है जो कि अपना काम कर रहा है और लगभग 1 साल तक करता रहेगा। तो दोस्तों काफ़ी लोग का सवाल होता है कि आखिरकार मून रॉकेट जो कि Saturn V रॉकेट था, भाई इतनी जल्दी चांद पर 3 दिन के अंदर कैसे पहुंच गया था। दोस्तों भाई काफ़ी बड़ा रॉकेट था, इसी कारण से भाई वहां पर जल्दी पहुंच गया था, उसमें ज़्यादा फ्यूल था। दोस्तों छोटे छोटे रॉकेट द्वारा लॉन्च किए गए स्पेसक्राफ्ट चांद तक भेजने में इसीलिए समय लग जाता है, क्योंकि उनको डायरेक्ट भेजने में फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरीके से स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर लगा रहा है। इसी तरीके से हर बार एक लंबा चक्कर लगाया जाता है, पिछली बार से एक बड़ा चक्कर लगाते हैं, जिसकी मदद से हम गुलेल की तरह एक बार में स्पेसक्राफ्ट को चांद की तरफ फेंक देते हैं और चांद का ग्रेविटी उसको पकड़ लेता है। और दोस्तों इस तरीके से हमारे स्पेसक्राफ्ट चांद पर पहुँचते हैं। इसराइल मून मिशन को तो आप जानते होंगे, पैरासीट लैंडर को, जो कि लगभग लैंड करने के लिए आ चुका था और उसका संपर्क टूट गया था। वहीं हमारे चंद्रयान के साथ चंद्रयान 2 के साथ भी ऐसा ही हो गया था, इसलिए यह दोनों मिशन फेल रहे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हम चंद्रयान 2 पर और इसराइल के पैरासीट लैंडर पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, हम आपके लिए ऐसा वीडियो बनाकर ले आएंगे जिसमें आपके पूछे गए सवाल द्वारा मिशन पर वीडियो आधारित होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना।
चंद्रयान 1 मिशन के बारे में यह टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।